Welcome to Robust Coder. Today we are start a very important keyword that is final. ठीक है, क्या होता है जावा में final keyword का utilization, उसको आज मैं एक एक करके हम लोग समझते हैं. देखिए, final एक keyword है. ठीक है, final is a keyword. जैसा कि हम लोगों ने इसके पिछले वाले session में देखा था static keyword के बारे में, कि static keyword क्या करता है और उस keyword को हम कहाँ कहाँ use करते हैं. तो सेम उसी तरीके से आज देखते हैं कि फाइनल कीवर्ड को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं इनसाइड जावा. ठीक है, तो देखिए, इस कीवर्ड को आप एक क्लास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, एक वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मेथड को फाइनल बना सकते हैं. ठीक है, एक मेथड को फाइनल बना सकते हैं. तो क्लास, वेरिएबल एंड मेथड, इन तीन चीज़ों को आप फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो वन बाई वन हम समझते हैं कि इन तीनों को अगर हम फाइनल बनाते हैं वन बाई वन, तो फाइनल बनाने से क्या क्या चीजें हम लोगों को मिलती है जावा में. ठीक है, तो लेट सपोज वी टेक अ फाइनल कीवर्ड एज वेरिएबल. ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैंने वेरिएबल के साथ फाइनल को यूज किया, वेरिएबल को एज अ फाइनल कीवर्ड के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या होता है. ठीक, तो मान के चलिए, सपोज कीजिए अगर आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल है आपके पास फाइनल इंट ए इक्वल टू 10, तो क्या डिफरेंस है इन दो वेरिएबल्स के अंदर. एक वेरिएबल जो वैल्यू है int a इक्वल टू 10 और दूसरा फाइनल int a इक्वल टू 10, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, अगर मैं किसी वेरिएबल्स को फाइनल बनाता हूँ तो मुझे क्या यूटिलाइजेशंस मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशंस हो जाएगी ये अगर ये फाइनल हो गया तो. ठीक है, तो इसके प्रोग्राम्स के थ्रू समझते हैं तो इजिली समझ में आएगा कि क्या होता है फाइनल. देखिए, तो फाइनल इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड विद द वेरिएबल. ठीक है, तो पहला पॉइंट हम क्या क्लियर करने वाले हैं, फाइनल कीवर्ड को यूज हम वेरिएबल्स के साथ यूज कर रहे हैं. ठीक है, फाइनल कीवर्ड वेरिएबल्स के साथ, फाइनल विद वेरिएबल्स, फाइनल विद वेरिएबल. देखिए, प्रोग्राम्स का थोड़ा जरूरत है कि कैसे क्या करना. मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, क्लास फाइनल डेमो. ठीक है, एक क्लास हमारे पास फाइनल डेमो. लेट सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं int a इक्वल टू 10, क्लियर, और एक मेथड लेते हैं void. सपोज कीजिए हमने एक मेथड ले लिया कॉल. ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट println a, क्लियर, और हमने क्या किया, चलिए a को हम थोड़ा मीनिंगफुल मैसेज दे देते हैं, बिफोर. ठीक है, बिफोर a इज इक्वल टू प्लस ऑफ a. ठीक है, हमने किया a प्लस प्लस, क्लियर, और फिर अगेन हमने दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट println आफ्टर a इज इक्वल टू, क्लियर, a इज इक्वल टू प्लस ऑफ. ठीक है, मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string array arg, क्लियर. देन क्या करना होगा, इस फाइनल डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा आपको. ठीक है, बनाइए फाइनल डेमो f1 इक्वल टू न्यू फाइनल डेमो, फाइनल डेमो, न्यू फाइनल डेमो. ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, f1 डॉट इस कॉल नाम के मेथड को हमने कॉल किया. ठीक है, f1 डॉट कॉल. ठीक, तो जब मैं f1 डॉट कॉल कर रहा हूँ तो क्या है, कंपाइलर यहाँ गया. ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर, आउटपुट क्या आने वाला है, बिफोर a इज इक्वल टू क्या, बिफोर a इज इक्वल टू 10. ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या आया, बिफोर a इज इक्वल टू 10. ठीक है, बिफोर a इज इक्वल टू 10, देन a प्लस प्लस, क्लियर, तो क्या होना, 10 के बाद वैल्यू 11 हो जाएगी, देन उसके बाद आफ्टर, आफ्टर a इज इक्वल टू 11. ठीक है, ये हो गया हमारा, मतलब जब भी हमारा वेरिएबल फाइनल नहीं है तो. ठीक है, सिंपल f1 डॉट कॉल, a की वैल्यू यहां सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर a इज इक्वल टू 10 और आफ्टर a इज इक्वल टू 11, बिकॉज हमने क्या किया यहां पे, a में प्लस प्लस किया. ठीक है, देन अगर मैं इसको फाइनल बनाता हूं, अब इसी प्रोग्राम में सिंपली अगर मैं इसको फाइनल बनाता हूं,
ठीक है, हमने यहाँ पे फाइनल कीवर्ड इस्तेमाल किया फाइनल, फाइनल इंट ए इक्वल टू 10, इट मींस व्हाट कि अब अगेन ये प्रोग्राम कंपाइलर क्या कर रहा है, इस कॉल मेथड को कॉल किया, नेक्स्ट टाइम क्या है कि सिस्टम आउटपुट प्रिंट लाइन ए, ठीक है, और इसके बाद प्लस प्लस ए और फिर आफ्टर ए। तो अगर इस तरीके से अगर मैंने इसको फाइनल बना दिया तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा कि जैसे आप इसको फाइनल करेंगे आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर आएगा इस वजह से, ठीक है, ये एक कंपाइल टाइम एरर है बिकॉज फाइनल वेरिएबल्स को आप दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते, तो इट इज गोइंग टू बी कंपाइल टाइम एरर कि फाइनल वेरिएबल ए रीअसाइनमेंट नहीं हो सकता, आप इसको दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, कि ए की वैल्यू दोबारा से आप लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम प्लस प्लस करके बढ़ा रहे हैं, तो ए की वैल्यू दोबारा ये बढ़ेगा नहीं बिकॉज ए का वैल्यू क्या है, अगर मैंने फाइनल लगाया तो ये दोबारा से रीअसाइन नहीं हो सकता, ठीक है, इट कैन नॉट बी रीअसाइन, ठीक है, बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल। तो फाइनल वेरिएबल्स बना देने का मतलब है इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू 10 फिक्स हो चुका है, अब ये दोबारा से रीअसाइन होकर 11 नहीं हो सकता है, तो इट इज गोइंग टू बी कंपाइल टाइम एरर, ध्यान रखिए कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो ये कंपाइल टाइम एरर है, तो अगर फाइनल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फाइनल है तो ये कंपाइल टाइम एरर है, ठीक है, यहाँ फाइनल वेरिएबल्स की वैल्यू को दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, एक बार अगर यहाँ 10 हुआ तो दोबारा से ये ए प्लस प्लस होकर अपने आप को 11 नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ फाइनल, इट कैन नॉट बी रीअसाइन द वैल्यू, ठीक है। चलिए फिर तो इस प्रोग्राम में हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैंने फाइनल बनाया तो ये कंपाइल टाइम एरर, तो आई होप कि ये फाइनल वेरिएबल्स के साथ आपको क्लियर है कि अगर नॉन फाइनल वेरिएबल है तो आप उसको रीअसाइन कर सकते हैं, अगर फाइनल वेरिएबल है तो आप उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, क्लियर है इतना, ठीक है। एक तो दूसरा डिफरेंस देखते हैं फाइनल वेरिएबल और नॉन फाइनल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए मैं यहां से ये चीज हटाता हूं, ठीक है, ये चीज हटा देता हूं, मान लीजिए हमने ये चीज हटा दी और हमने लिखा int a, ठीक है, और इधर से फाइनल भी हटा देते हैं, ठीक है, अब फाइनल हटा देते हैं, तो अब क्या होगा प्रोग्राम में कि जैसे ही इस कॉल को कॉल करेगा यहाँ int a, ये देखिए इस वेरिएबल को मैंने केवल यहाँ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, और चूंकि ये कैसा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंस्टेंस वेरिएबल अपना डिफॉल्ट वैल्यू कंटेन करता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स की अपनी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो अगर आपने f1.call किया तो यहाँ सिस्टम डॉट प्रिंटर बिफोर a इज इक्वल टू व्हाट, तो a का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, देखिए हम a कैसा है इंटीजर टाइप का, a कैसा है इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है जीरो, तो बिफोर a इज इक्वल टू व्हाट जीरो, a इज इक्वल टू व्हाट जीरो, बिफोर a इज इक्वल टू व्हाट जीरो, देन उसके बाद a प्लस प्लस, ठीक है, a प्लस प्लस, a प्लस प्लस, देन जीरो में a प्लस प्लस, देन व्हाट जीरो प्लस वन वन, तो आफ्टर a इज इक्वल टू क्या वन, ठीक है, बिकॉज ये एक कैसा वेरिएबल है नॉन स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, और नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होता है, इसीलिए अगर आपने इसको कॉल किया तो इसने पहले क्या किया a की वैल्यू जीरो इनिशियलाइज किया, बिकॉज आपने यहाँ कोई इनिशियलाइज वैल्यू नहीं है, यहाँ इनिशियलाइज वैल्यू नहीं है, तो आपने यहाँ क्या किया जैसे आपने इसको कॉल किया अपना डिफॉल्ट वैल्यू देखा है, तो डिफॉल्ट वैल्यू से यहाँ जीरो, उसके बाद जीरो में क्या हो गया प्लस प्लस, वही जीरो अपने आप को क्या किया एक यूनिट इंक्रीमेंट किया, और उसके बाद सिस्टम ऑर्डर प्रिंटर आफ्टर a इज इक्वल टू व्हाट वन, क्लियर। तो इंस्टेंस वेरिएबल के वजह से डिफॉल्ट वैल्यू होने के वजह से ये जीरो और वन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर मैं इसको फाइनल कर दूंगा, ठीक है, अभी क्या है ये नॉन फाइनल वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा नॉन फाइनल वेरिएबल है ये, ठीक है, नॉन फाइनल वेरिएबल है, अब मैं इसको फाइनल कर रहा हूं, फाइनल फाइनल, अगर मैंने अब इसको फाइनल किया तो अब क्या होगा कि जैसे मैं इसको कॉल करूंगा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है जीरो, लेकिन चूंकि ये फाइनल वेरिएबल है तो अब ये अपना डिफॉल्ट वैल्यू कंटेंट नहीं करेगा, ठीक है, नॉन स्टैटिक है, इंस्टेंस भी है, बट अब कैसा है, बट नाउ इट इज अ फाइनल वेरिएबल, नाउ इट इज अ फाइनल वेरिएबल, और फाइनल वेरिएबल कभी भी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर नहीं करता है, क्लियर, फाइनल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, यू हैव टू मस्ट इनिशियलाइज द वैल्यू, तो आपको यहां इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, लाइक अगर आपने 10 किया तो 10, 1 किया तो 1, 0 किया तो कोई भी वैल्यू से आपको इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो ये एक कंपाइल टाइम एरर है, ठीक है, वेरिएबल a might have been initialized, ठीक है, तो ये एक कंपाइल टाइम एरर है, अगर आपने यहां नहीं किया इट इज गोइंग टू बी कंपाइल टाइम एरर, ध्यान दीजिएगा बिकॉज a वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है और ये फाइनल डिक्लेयर्ड है, तो फाइनल वेरिएबल बिना इनिशियलाइज आप नहीं यूज कर सकते,
ठीक है। तो अगर आपने यहाँ किया और यहाँ पे अगर आपने यूनिट इंक्रीमेंट किया, आपने ए को यूज किया, फिर ए में प्लस प्लस किया, फिर अगेन ए को यूज किया, तो ऐसा नहीं कि ये अपने डिफॉल्ट वैल्यू जीरो में प्लस माइनस करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। बिकॉज जब ये फाइनल है तो इसकी वैल्यू होनी कंपलसरी है, अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर होगा। ठीक है, तो दो डिफरेंसेस क्लियर है कि फाइनल वेरिएबल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है फाइनल वेरिएबल, या तो उसकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू हो, ठीक है, और साथ ही साथ क्या कि आप उसमें दोबारा से रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी कंटेंट द डिफॉल्ट वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी रीअसाइंड द वैल्यू। इट मींस इफ यू आर डिक्लेयर अ फाइनल वेरिएबल, इट मींस द वैल्यू इज फिक्स्ड और कांस्टेंट। ठीक है, ये क्लियर है फाइनल केस के लिए। ठीक, तो सेम ये कॉन्सेप्ट ये इंस्टेंस वेरिएबल के साथ भी है, लोकल वेरिएबल के साथ भी है। अगर मैं लोकल वेरिएबल भी फाइनल बनाऊंगा तो मुझे उसकी वैल्यू असाइन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो आई होप कि ये फाइनल वेरिएबल्स के साथ फाइनल कीवर्ड कैसे इस्तेमाल होता है ये क्लियर है। अब इसको मैं प्रोग्राम्स के थ्रू दिखाता हूँ आपको कि ये चीज कैसे काम होता है। ठीक है, इतने फिर इस प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेक्ट। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं, क्लास फाइनल डेमो। ठीक है, और सेव करते हैं इसको अपने फोल्डर में। मान लीजिए हम लोगों ने इसको फर्स्ट फोल्डर के अंदर आता फाइनल डेमो डॉट जावा से सेव किया, फाइनल डेमो डॉट जावा। ठीक है, फाइनल डेमो डॉट जावा, देन मान लीजिए हमने बना लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे जीएस। देखिए, वी आर डिक्लेयर अ इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, int a equal to 10। पहले हम ये देखते हैं int a equal to 10। ठीक है, मेथड बनाते हैं void call। ठीक है, और इसके अंदर हमने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन बिफोर a इज इक्वल टू प्लस ऑफ a, देन a प्लस प्लस, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट println after a is equal to plus of a। यहां क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं final demo f1 equal to new final demo। ठीक है, then f1 dot done, save करें फाइल को, control s से सेव करें और इसको रन। तो cmd cd backspace cd locus code। ठीक है, देखिए फाइल फाइनल डेमो फाइनल जावा सी के साथ जावा सी फाइनल डेमो डॉट जावा। ठीक है, फाइनल डेमो डॉट जावा, कंपाइल, देख कंपाइल हो गया फाइल, देन रन जावा फाइनल demo before a equal to 10 and after a equal to 11। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि a की वैल्यू क्यों हो रही है, because it is a non-static variable और instance variable। तो यहाँ a की वैल्यू 10 आया, फिर हमने क्या किया a में प्लस प्लस किया और a को प्रिंट किया, तो after a is equal to 11। अब हम इसको क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में हम इसको फाइनल कीवर्ड से डिक्लेयर कर देते हैं, फाइनल एंड a इक्वल टू a 10। ठीक है, इसको आए और अपने प्रोग्राम को क्या किया, सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद दोबारा से हम इसको क्या करें, कंपाइल करें फाइल को, कंपाइल, देख आ गया लाइन नंबर 7, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। ठीक है, इट मींस कि आप उस वैल्यू को दोबारा से असाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो ए प्लस प्लस में एरर आ रहा है। यहाँ देखिए ए प्लस प्लस एरर लाइन नंबर 7 पे, कैन नॉट असाइन द फाइनल वेरिएबल। ठीक है, कैन नॉट असाइन द वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए, आप दोबारा से उस फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल वेरिएबल, और फाइनल वेरिएबल कैसा होता है, एज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो जो वैल्यू आपने एक बार दे दिया वो वैल्यू दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए वो कंपाइल टाइम एरर आ रहा था, क्लियर। चलिए, तो इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ से ये फाइनल हटाए या फिर मैं इसको असाइनमेंट करूँ ही ना। ठीक है, हम इसको असाइनमेंट नहीं करें या इसको असाइन करके किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करें। हो गया, चलो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसके कमेंट्स को हटाऊं
और इसको यहां से हटाकर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू में छोड़ो। देखिए हमने क्या किया, इंट ए को केवल डिक्लेयर किया, ठीक है, सिर्फ ए को डिक्लेयर किया, मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, बिकॉज ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो क्या होगा इसका डिफॉल्ट वैल्यू होगी, ठीक है। दोबारा से चला के देखेंगे इस प्रोग्राम को, कंपाइल करें, कंपाइल सक्सेसफुली, देन रन, एक सेकंड इसको सेव करना होगा, इस प्रोग्राम को अगर सेव करें, ठीक है, सेव किए, अब कंपाइल करें, कंपाइल करें, रन करें, देखिए आ गया, बिफोर ए इक्वल टू जीरो एंड आफ्टर ए इज इक्वल टू वन, क्यों, बिकॉज ए की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो जीरो के हिसाब से यहाँ क्या हुआ, सिस्टम का आउटपुट प्रिंट करें बिफोर ए इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो प्लस प्लस, मतलब जीरो में मैंने क्या किया, यूनिट इंक्रीमेंट, तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी वन, देन सिस्टम का आउटपुट प्रिंट करें आफ्टर ए इज इक्वल टू व्हाट, वन, क्लियर है। चलिए अब इसी प्रोग्राम में केवल यहाँ पे फाइनल बना के देखें और अब डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस में क्या होता है, ठीक है, सिंस फाइनल होने की वजह से उसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपाइलर इसको डिफॉल्ट वैल्यू देकर फिक्स करेगा, ये हमसे एक रिक्वेस्ट करेगा भाई कि ये आपके पास फाइनल वेरिएबल की वैल्यू होनी कंपलसरी है, ये इनिशियलाइज नहीं है, ये कंपाइल करें, फाइल आ गया, एरर, कैनॉट असाइन अ फाइनल वेरिएबल वैल्यू ए, ए प्लस प्लस, ठीक है। मान लीजिए इस चीज को फिर से एक बार कमेंट बनाए, इसको भी कमेंट बनाए, और सिंपल हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू के हिसाब से इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, सेव की, कंपाइल की, आ गया, वेरिएबल ए नॉट बीन इनिशियलाइज्ड इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाइनल एट ए, ठीक है, आपका वेरिएबल ए जो है वो इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है, ये एक चीज बताता है, इनिशियलाइज इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाइनल एट ए, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनल वेरिएबल को अगर मैं यहाँ यूज नहीं करता हूँ तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये भी अभी हम कवर करने वाले हैं कि फाइनल वेरिएबल को अगर मैंने डिक्लेयर किया तो उसको बाद में इनिशियलाइज करने के लिए वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम फाइनल वेरिएबल को हम बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसे नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि इसको वैल्यू मुझे यहाँ देना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने int a equal to 100 किया और इसको अब चला के देखते हैं, ये देखिए कंपाइल एंड रन आ गया बिफोर a equal to 100, क्लियर है। फाइनल वेरिएबल को आप बिना इनिशियलाइज्ड यूज नहीं कर सकते, अगर फाइनल वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज्ड यूज करना है तो आपको सबसे पहले उसको कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल इसी प्रोग्राम्स के एरर को देखें, मान लीजिए इस एरर को फिर से दोबारा से देखते हैं, ये देखिए सेव करें फाइल और दोबारा से हम इसको कंपाइल करें, ये देखिए वेरिएबल ए नॉट बीन इनिशियलाइज्ड इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाइनल ए, ठीक है। थोड़े से डेमोंस्ट्रेशन में यहां डेमो में एक चीज बढ़ाते हैं, वी आर यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर और वहां पे हम इसको आगे यूज करते हैं और ए की वैल्यू को हम चेक करते हैं। तो मान लीजिए कंस्ट्रक्टर बनाना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाइनल डेमो, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर बिकॉज़ कंस्ट्रक्टर नेम एंड मेथड नेम इज मस्ट बी सेम एंड इट्स हैव नो रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड, दैट्स व्हाई इट इज क्या, ये कंस्ट्रक्टर है, क्लियर। अब इस कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया कि ए इक्वल टू सपोज कीजिए हमने 10 डाल दिया, ए इक्वल टू 10 डाल दिया, क्लियर। अब यहां देखिए जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये फाइनल डेमो बन रहा है, ये क्या है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, ठीक है, तो वो क्या किया ए की वैल्यू को कितने से असाइन कर दिया, 10 से। जब ए की वैल्यू 10 असाइन हो गया तो अब जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन के अंदर कॉल कर रहे हैं ए को बिफोर ए इक्वल टू, तो यहाँ क्या है ए की इनिशियलाइज्ड वैल्यू इसको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, बिकॉज इंस्टेंस वेरिएबल की वजह से वो क्या हो गया इनिशियलाइज्ड, ए की वैल्यू क्या इनिशियलाइज्ड हो गई, इनिशियलाइज्ड होने के बाद आपको ए की वैल्यू यहाँ कितना मिल रहा है 10, देखते हैं चलाकर इसको, ठीक है। तो ये एरर समझ में आएगा, कंट्रोल से सेव करें और फिर इसको चलाएं, कंपाइल एंड आ गया बिफोर ए इक्वल टू 10, क्लियर है, बिफोर ए इक्वल टू 10, क्यों, बिकॉज इट इज इनिशियलाइज्ड बाय द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैंने ए की वेरिएबल ए का वैल्यू यहां इनिशियलाइज नहीं किया, इसको मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया। कंस्ट्रक्टर कब चलता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया इस कॉल नाम के मेथड को कॉल किया, क्लियर। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करा सकते हैं, या तो आप यहीं पे असाइन करें या फिर आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आप इस वैल्यू को असाइन करा सकते हैं, क्लियर। तो थ्रू कंस्ट्रक्टर वी आर इनिशियलाइज द फाइनल वेरिएबल, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिलेड इनिशियलाइज्ड बाय द फाइनल वेरिएबल थ्रू कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम फाइनल वेरिएबल को बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्लियर। चलिए
तो ये आपका फाइनल वेरिएबल्स के केस में क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे फाइनल मेथड के थ्रू। तो एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने डिक्लेयर किया फाइनल इंट ए इक्वल टू सिंपल, केवल डिक्लेयर किया, एक कंस्ट्रक्टर यूज किया फाइनल डेमो कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने क्या किया, इस इंस्टेंस वेरिएबल ए को मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया 10 से। क्लियर? चलिए सेकंड पे मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड बनाया void call नाम का। क्लियर? इस कॉल में मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरन बिफोर ए इक्वल टू व्हाट, ए प्लस प्लस, ठीक, प्लस ए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मेन मेथड बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया फाइनल डेमो का और ऑब्जेक्ट से इसकी कॉलिंग किया। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर कॉल अपने आप कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली होने की वजह से वो इसको इनिशियलाइज कर देगा। बाद में जब आप कॉल मेथड को कॉल करेंगे तो आपको एक ही यहाँ पे इनिशियलाइज वैल्यू ही मिलेगी। क्लियर? चलिए देखते हैं फिर आगे इसके साथ। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।